आज से स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो देखो यार, आइगन वैल्यू हो गया या आइगन वेक्टर हो गया, दोनों को निकालने के लिए आपको एक मैट्रिक्स से जरूरत पड़ने वाली है। किसी भी एक गिवन मैट्रिक्स का ही आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर निकाला जाता है, ठीक है। आज हम पहले बात करते हैं आइगन वैल्यूज के बारे में, आइगन वेक्टर के बारे में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो पहले बात करते हैं आइगन वैल्यू के बारे में, ठीक है। तो आइगन वैल्यू किसका निकलता है, किसी भी एक गिवन मैट्रिक्स का निकलता है। तो मान लेते हैं कोई भी एक ए मैट्रिक्स है जो कि 3x3 ऑर्डर का है, हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। हमको इस ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू निकालने हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कई स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या होगा, हमको इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको, द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, ये सिंपली ए माइनस लैम्डा आई से निकलेगा, जहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर इस ए मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर हमने ए 3x3 ऑर्डर का लिया हुआ है, तो जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी क्या, एक 3x3 ऑर्डर का ही होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी मैट्रिक्स होगा वो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या तो 2x2 या तो 3x3 या तो 4x4, क्योंकि यहाँ पे क्या ए माइनस लेमडा आई हमको करना है, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, या तो 1x1 के होंगे, या तो 2x2 के, या तो 3x3, या तो 4x4 के होने वाले हैं, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स क्या लेना, हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स लेना, और बुक में हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो यार, आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट का रूल भी इसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के लिए ही अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या करोगे आप, इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालोगे। क्या करोगे, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए निकालोगे। ये कैसे निकलेगा, सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई को लिख के निकलेगा, ठीक है, ए माइनस लेमडा आई, ठीक है। यहाँ पे ये मॉडुलस का साइन है, डिटर्मिनेंट का साइन है, कहने का मतलब ये जो ए माइनस लेमडा आई एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आप लिख रहे हो, उसी को डिटर्मिनेंट के अंदर रख दो, ठीक है। फिर क्या करोगे, इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे। क्या करोगे, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए निकालोगे। ये कैसे निकलेगा, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई को 0 के बराबर निकलेगा, ठीक है। ये जो आपको इक्वेशन मिलेगा इस टाइम पे, वही क्या कहलाएगा, इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, एक सेकेंड कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने क्या निकाल दिया, उस गिवन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दिया। अब क्या करेंगे, हम इसके रूट्स निकालेंगे, ठीक है। ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 आपने रखा हुआ है, उसको सॉल्व करोगे तो उसके कुछ रूट्स मिलेंगे। तो वही रूट्स क्या होंगे, इस ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, आइगन वैल्यूज उस गिवन मैट्रिक्स के जिसकी हम बात कर रहे थे। देखो, किसी भी एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको 4 स्टेप करने पड़ते हैं। पहले क्या करना पड़ता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालना पड़ता है। वो कैसे निकलेगा, ए माइनस लेमडा आई से निकलेगा। फिर क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालोगे उसी मैट्रिक्स का। तो वो कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई रख के। फिर क्या करोगे, आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, वो कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई को 0 के बराबर है, ठीक है। देखो, डिटर्मिनेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कहीं पे तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी भी एक रो या एक कॉलम का लॉन्ग एक्सपेंड करके जो भी इक्वेशन मिलेगा उसको रख लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, यहाँ पे रख के 0 के बराबर कर लेंगे। वही जो इक्वेशन है वही क्या कहलाएगा, इस गिवन ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, हम उसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके जो भी रूट्स मिलेंगे वही क्या कहलाएंगे, आइगन वैल्यूज क्या कहलाएंगे, या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाएंगे, या प्रॉपर रूट्स, या प्रॉपर वैल्यूज कहलाएंगे। देखो ये अलग अलग नाम है आइगन वैल्यूज के, जो अलग अलग बुक प्रेफर करती है, ठीक है। तो आप देख लेना कि कौन से नाम पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, या तो लेटेंट रूट कहलाता है, लेटेंट रूट कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, उसका आइगन वैल्यू दिया हो, या कैरेक्टरिस्टिक रूट, या प्रॉपर वैल्यू, या लेटेंट रूट दिया हो, सभी का मतलब एक ही होता है कि उस गिवन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू ही हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो, मान लेते हैं हमने अल्फा इसको सॉल्व किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व किया, और इसके हमके कुछ रूट्स मिले। मान लेते हैं अल्फा मिला, बीटा मिला, गामा मिला, ठीक है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
स्पेक्ट्रम बोला जाता है, जैसे व्हाइट लाइट है, जब वो क्या होता है किसी भी एक प्रिज्म से स्प्लिट होता है तो सात अलग अलग कलर में क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, उस सात कलर के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वैसे ही ये जो कैटर की इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके जो भी रूट्स मिलेगा उनका जो कॉम्बिनेशन में आप लिख लोगे, इसको क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। किसके, जिस भी मैट्रिक्स की बात चल रही है, तो ए मैट्रिक्स की बात चल रही है तो ये क्या कहलाएंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए कहलाएंगे। ठीक है, तो यही कुछ चार स्टेप हैं किसी भी एक गिवन मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। हमको क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसे हमको क्या कैरेक्टरिस्टिक रूट मतलब क्या आइगन वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या लिखा लो आप, द कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए विल बी ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ए ये कितना होगा आपका, ए माइनस लेमडा आई के बराबर होगा। ये क्या है, मैट्रिक्स ए है, आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। करने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर का होगा, क्योंकि ये क्या है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0 माइनस लैम्डा आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 100010 और क्या 001 इतना हो गया। अब क्या करते हैं, लैम्डा पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लैम्डा, ये और ये लैम्डा हो जाएगा, बाकी सभी तो जीरो ही है। अब सबट्रैक कर लो, तो देखो कितना मिलेगा आपको यहाँ से, सिंपली 0 - लैम्डा मतलब क्या, -लैम्डा 1 2 1 0 - लैम्डा मतलब -लैम्डा, -1 मतलब और सभी जगह तो जीरो ही, बस हमको डायगोनल पे देखना है। ठीक है, और 2 -1 और माइनस का लैम्डा इतना मिल गया। अब क्या करते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स ये कितना होगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई के बराबर होगा। करने का मतलब ये जो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी को क्या कर लो, डिटर्मिनेंट के अंदर रख लो। ठीक है, करने का मतलब क्या कर लो, यहाँ पे -λ 1 2 1 -λ -1 2 -1 और क्या -λ कर दो। ठीक है, क्या कर लो, किसी भी एक रो के अलग एक्सपेंड करो। चलो पहले रो के अलग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखो कितना मिलेगा, पहले -λ बाहर, ये ख़त्म, ये कितना हो गया सिंपली -± मतलब λ² और यहाँ पे ये 1 है ना, तो -± हो जाएगा, तो सिंपली माइनस का 1 बचेगा। फिर क्या, -1 बाहर, ये कितना हो गया -λ और क्या, ये -± मतलब क्या +2 हो गया। ठीक है, और फिर क्या, +2 बाहर, ये कितना हो गया -1 और ये कितना हो गया +2λ, तो -1 + 2λ। बस क्या करो, इसी को पहले सॉल्व करो, तो कितना मिलेगा यहाँ पे, -λ³ + λ -± λ - 2 और यहाँ पे -2 + 4λ। ठीक है, तो ये कितना मिला आपको, सिंपली -λ³ नीचे दिख रहा है ना, तो -λ³ मिला और ये 2 और 4 6 हो गया, तो +6λ - 4 मिला। ठीक है, तो आगे माइनस है, तो क्या कर लो, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो एक लाइन लिख लेना, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई माइनस हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा -λ³ - 6λ + 4 मिल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, पहले नोट करो, ऊपर का रफ करना पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने क्या निकाला, इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकाला। वो कैसे निकला था, जब हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को सॉल्व करा था, तो हमको क्या मिला था, ये λ³ - 6λ + 4 मिला था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ये मिल चुका है, देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए विल बी, ये कितने के बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। हमने क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को रख के सॉल्व करने पे। तो ये कितना मिला हमको, ये मिला। अगर हम क्या करें, इसी को λ³ - 6λ + 4 को 0 के बराबर रख दे, तो ये जो मिला हुआ है यही क्या है, इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ये जो ए मैट्रिक्स है, इसी का क्या, ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो, इसके जो भी रूट्स आपको मिलेंगे, जो भी रूट्स मिलेंगे वही क्या होंगे, इस ए मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे। पहले क्या बोला हमने, बोला कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तक पहुँचो,
यहाँ तक पहुँच गए, वो कैसे मिला, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई को जीरो, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई का वैल्यू निकालो, तो ये इतना मिल गया। अब अगर इसको जीरो के बराबर रख दोगे, ये जो दिख रहा है आपको यही क्या है, इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करो, जो भी इसके रूट्स मिलेंगे, देखो ये लैम्डा के टर्म में चल रहा है तो लैम्डा के आपको वैल्यू मिलेंगे, लैम्डा के रूट्स मिलेंगे, जो लैम्डा के रूट्स मिलेंगे वही क्या होंगे, इस ए मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे, या सिंपली बोलो आइगन वैल्यू होंगे। ठीक है चलो, ये देखो यार आप ऐसा मत बोल देना कि यहाँ पे माइनस सिक्स क्यों है, देखो ये डिटरमिनेंट का साइन है, मॉडुलस का साइन नहीं है, मॉडुलस भले ही प्लस कर देता है लेकिन ये डिटरमिनेंट का साइन है, इसको हमने पूरा सॉल्व कर रखा है तो दोबारा ये लगाने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए हमने क्या किया डायरेक्टली इसको लिख लिया। ठीक है अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, अपन इसे लेट मान लेते हैं कि लैम्डा का वैल्यू ले लो दो के बराबर। ठीक है तो लैम्डा का वैल्यू दो इसके अंदर पुट करो तो क्या मिलेगा, दो का क्यूब मतलब का आठ, माइनस सिक्स लैम्डा, सिक्स टू जो ट्वेल्व प्लस फोर मतलब क्या है, जीरो बराबर जीरो यहाँ पे दे रहा है, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो हो रहा है, करने का मतलब लैम्डा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो टू को इधर लाओ, लैम्डा माइनस टू इक्वल टू जीरो, लैम्डा माइनस टू क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है लैम्डा टू इक्वल टू टू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो टू को इधर लाया तो लैम्डा माइनस टू क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि लैम्डा क्यूब है तो हमको तीन फैक्टर मिलने वाले हैं। तो हमने एक वैल्यू अपने से मान लिया जो सही भी आया था, तो हमने एक फैक्टर अपने से बना लिया। अब बाकी जो दो वैल्यू बच रहे हैं लैम्डा को, उसको लैम्डा का उसको निकालने के लिए क्या करो, ये जो लैम्डा माइनस टू है इससे क्या कर लो, इसको डिवाइड कर दो, क्या है ये लैम्डा क्यूब माइनस का सिक्स लैम्डा प्लस फोर है। ठीक है तो पहले देखो कितने टर्म्स आएगा यहाँ पर, लैम्डा क्यूब है ना, तो पहले क्या कर लो आप लैम्डा स्क्वायर टर्म्स ले जाओ। ठीक है लैम्डा स्क्वायर टर्म ले जाओगे तो स्क्वायर जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा लैम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपली लैम्डा स्क्वायर इसमें, तो माइनस का टू लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है तो ये सबट्रैक्ट करो, ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे माइनस का सॉरी प्लस टू लैम्डा स्क्वायर है, माइनस का सिक्स लैम्डा प्लस फोर है। अब कितने टाइम्स ले जाओगे, टू लैम्डा स्क्वायर तो प्लस टू लैम्डा टाइम्स ले जाओ। ठीक है टू लैम्डा इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा, टू लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। अब टू लैम्डा इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो टू टू ज़ा फोर हो जाएगा, माइनस का फोर लैम्डा हो जाएगा। ठीक है अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो इसको, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, यहाँ पे कितना मिला सिंपली माइनस का टू लैम्डा और प्लस का फोर बचा, नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, एक लाइन और चाहिए ना। इस बार क्या करते हैं, माइनस के टू से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू लैम्डा, और फिर क्या माइनस टू टू जो फोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल। ठीक है कहने का मतलब वो क्या मिला, लैम्डा स्क्वायर प्लस टू लैम्डा माइनस टू मिला। ठीक है तो क्या कर लो, इसी को सिंप्लीफाइड फैक्टराइज कर लो, जो भी मिलेगा वही क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू होगा। ठीक है तो लैम्डा इक्वल टू टू मिल चुका है, इतना हमको मालूम है। ठीक है ये रफ काम है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो देखो यार बस क्या करते हैं, डायरेक्टली सिद्धाचार्य रूल लगा देते हैं, क्योंकि लैम्डा के टर्म में है। तो देखो जैसे अगर एक्स के टर्म में रहता तो क्या लिखते हैं हम, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए लिखते हैं, लेकिन ये लैम्डा के टर्म में है तो इसको लैम्डा के टर्म में करेंगे। ठीक है तो चलो, तो लैम्डा कितने के बराबर होगा, पहले होगा माइनस बी, तो बी कहाँ पर है, यहाँ पर, कितना है टू है, तो माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब क्या फोर माइनस फोर, ए का वैल्यू कितना है वन के बराबर, सी का वैल्यू कितना है माइनस टू के बराबर, कितना हो गया प्लस सिक्स हो गया। ठीक है प्लस कर दिया और टू टू ज़ा फोर यहाँ पे ना, अब क्या अपान टू, ए का वैल्यू तो वन ही है, तो क्या मिला ये सिंपली यहाँ से लैम्डा का वैल्यू माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट फोर टू ज़ा एट प्लस फोर कितना हो गया यहाँ पे ट्वेल्व हो गया, और डिवाइड में कितना है टू है। ठीक है तो ट्वेल्व में क्या होता है, ट्वेल्व में अगर हम देखें तो दो सिक्स दो और क्या तीन, मतलब क्या दो बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है तो यहाँ पे तीन को अंदर ही रख लो, दो को बाहर निकाल लो। अब टू से टू कैंसिल मतलब क्या मिला, लैम्डा का वैल्यू माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री मिला, तो दो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे मिल गया, और तीसरा तो हमने पहले से निकाल रखा। तो देखो लैम्डा के लिए जो तीन में वैल्यू मिले हैं वही क्या है, इस ए मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट से, या जिसको आप आइगन वैल्यू भी बोलते हो। ठीक है तो बस इसमें कैलकुलेशन है, स्टेप तो दो ही तीन है। ठीक है नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए है ए एच जी जीरो बी जीरो जीरो सी सी, इसका हम इसके हमको आइगन वैल्यूज निकालने हैं।
तो पहले क्या करते हैं, इस ए मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए, ये कितने के बराबर होगा, ए माइनस लेमडा आई के बराबर होगा, ठीक है। तो ए माइनस लेमडा आई का मतलब ए मैट्रिक्स लेमडा कॉन्स्टेंट है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, ए एच जी 0 बी 0 0 सी सी, और क्या माइनस लैम्डा और आई, आई के आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर रहना चाहिए ए मैट्रिक्स के बराबर, ठीक है। ये 3x3 का है तो ये भी 3x3 का ही होना चाहिए, 0 1 0 0 0 1, क्या होगा, लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, ठीक है। बाकी सभी तो 0 ही है, सब ट्रैक करोगे तो ये कितना मिलेगा आपको, ए माइनस लैम्डा एच जी 0 बी माइनस लैम्डा 0 0 सी और सी माइनस लैम्डा मिलेगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मिल गया, आप क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी, ये कितने के बराबर होगा, ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई के बराबर होगा, ठीक है। तो बस जहाँ पे मैट्रिक्स लगा है डिटर्मिनेंट का साइन लगा लो, करने का मतलब ए माइनस लैम्डा एच जी 0 बी माइनस लैम्डा 0 0 सी सी माइनस लैम्डा, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे सेकंड रो के अंदर 2 0 है, सिर्फ एक नॉन जीरो है, तो सेकंड रो की अलॉन्ग एक्स बार एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो आपको मैजिकल रूल तो पता ही होगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर 3x3 ऑर्डर का है तो ये और ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होते हैं और बाकी सभी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होते हैं, ठीक है। तो इसको हम छोड़ते हैं, हम क्योंकि सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे क्या किसके साथ ओपन होगा, प्लस साइन के साथ ओपन में होगा, ठीक है। बस यही बात बताना था कि बी माइनस लेमडा प्लस साइन के साथ ओपन में होगा। अब क्या ये खत्म, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये तो 0 ही है, मतलब काउंटर पार्ट बाद वाला 0 होने वाला है। तो पहले ये लिखो सी माइनस लेमडा, और क्या ए माइनस लेमडा, और क्या माइनस यू बाई यू करना था, तो यू 0 ही हो गया, तो इसको छोड़ ही दो, 0 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको ठीक से लिख लेते हैं कि अपन क्या है, बी माइनस लेमडा और क्या सी माइनस लैम्डा और क्या ई माइनस लैम्डा आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आ गया इस ए मैट्रिक्स का। अब क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल अगर ये है तो ऊपर का नोट करो, चल तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, बस सिंपली क्या कर लो, उसी को 0 के बराबर रख लो, किसको, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल है, ठीक है। देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, करने का मतलब ये बी माइनस लेमडा सी माइनस लेमडा और ए माइनस लेमडा को सिंपली 0 के बराबर रख दो। यही जो आपको इक्वेशन दिख रही है यही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है क्या ए मैट्रिक्स का, ठीक है। ए मैट्रिक्स का ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, नीचे का नोट हो गया। अब क्या कर लो, इसी को सॉल्व कर लो, ठीक है। जो भी इसके वैल्यूज मिलेंगे, मतलब जो भी फैक्टर मिलेंगे इसके, वही क्या होंगे, इस ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू होंगे, ठीक है। तो सभी लैम्डा के टर्म में है तो क्या कर लो, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, सभी लीनियर फॉर्म में है, तो या तो लैम्डा का वैल्यू बी आएगा, या तो सी आएगा, या तो ए आएगा, ठीक है। तो आगे पीछे कर लो अल्फाबेटिक में, मतलब क्या लैम्डा का वैल्यू ए बी सी आ सकता है। तो ए मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज क्या क्या हो गए, ए बी और सी हो गए, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, जो ए मैट्रिक्स है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रूट निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम इस मैट्रिक्स ए के कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ऑफ ए, ये कितने के बराबर होगा, ए माइनस लैम्डा आई के बराबर होगा, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 0 -4 2 0 0 7 है, माइनस लैम्डा आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ यहाँ और यहाँ होगा, ठीक है। बस क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना मिलेगा, 1 माइनस लैम्डा और क्या 2 3 0 और यहाँ पे -4 माइनस लैम्डा और फिर क्या 2 मिलेगा, फिर क्या 0 0 7 माइनस लैम्डा मिलेगा,
इतना हो गया, ये क्या मिल गया, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मिल गया। आप क्या करते हैं, इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकालते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ ए विल बी, ये कितने के बराबर हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई के बराबर हुआ। ठीक है, तो जहाँ पे मैट्रिक्स है वहाँ पे डिटरमिनेंट यूज कर लो, करने का मतलब 1 माइनस लेमडा 2 3 0, -4 माइनस लेमडा 2 0 0 7 माइनस लेमडा। ठीक है, ये क्या मिल गया हमको, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया ए मैट्रिक्स का। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो थर्ड रो के अलॉन्ग 2 0 है, 1 नॉन जीरो है, तो तीसरे के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये 0 के साथ ओपन होते हैं, तो ये क्या होगा, प्लस के साथ ओपन में होगा, तो 7 माइनस लेमडा बाहर कर लिया। और फिर क्या अंदर क्या होगा, ये खत्म, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये तो 0 ही होने वाला है, मतलब क्या सिंपली यही बचेगा, -4 माइनस लेमडा के साथ मल्टीप्लाई में 1 माइनस लेमडा। ठीक है, यही मिल गया। तो अब क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल चुका है ए मैट्रिक्स का, तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, ऊपर का नोट करो। ओके, एक सेकेंड, चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई आ चुका है इतना, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितना आएगा, सिंपली 7 माइनस लेमडा -4 माइनस लेमडा और 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, यही चीज़ है ना जो हमने निकाल के रखा हुआ है, बस क्या कर लिया, उसको 0 के बराबर रख लिया, नीचे का नोट कर लो। चलो हो गया, तो देखो ये क्या मिल गया, ये जो हमको दिख रहा है यही हो गया हमारे पास इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसी को फैक्टराइज कर लो या सॉल्व कर लो, जो भी रिजल्ट आपको मिलेंगे लैम्डा के जो भी वैल्यू मिलेंगे वही क्या होंगे, इस ए मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे। ठीक है, तो देखो यार सभी फैक्टराइज फैक्टर के अंदर हैं, तो सभी क्या है, 0 के बराबर, मतलब क्या, 7 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, -4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, मतलब क्या मिलेगा, लैम्डा का वैल्यू 7 -4 और 1 मिलेगा। ठीक है, 7 -4 1 मिल गया, तो यही क्या मिल गया हमको, इस ए मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स मिल गए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रूव दैट द मैट्रिसेस ए एंड बी हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो दोनों मैट्रिक्स हैं इनके सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये बात हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ए मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो पहले क्या निकालते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है, तो ये कितने के बराबर होगा, सिंपली ए माइनस डेल्टा सॉरी लैम्डा आई के बराबर होगा। ठीक है, तो ए कहाँ पर है, ए हमारे पास 0 ए बी ए 0 सी बी सी 0 के बराबर होगा, माइनस लैम्डा आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे ये सभी लैम्डा हो गया। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो एक बात नोट करो, ये सभी क्या है, लैम्डा 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 डायगोनल पे है, और यहाँ पे क्या है, 0 0 0 राइट। ठीक है, क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या मिलेगा हमको, सिंपली 0 माइनस लैम्डा, मतलब क्या, माइनस का लैम्डा। और फिर क्या, यहाँ पे ए है, ए माइनस 0 मतलब क्या, ए बी, और फिर क्या, ए, और फिर यहाँ पे 0 है, तो 0 माइनस लैम्डा, सिंपली माइनस का लैम्डा, और यहाँ पे सी, यहाँ पे बी सी, और यहाँ पे 0 माइनस लैम्डा, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, मैट्रिक्स मिल गया, अब कैरेक्टरिस्टिक हमको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मिल गया ए मैट्रिक्स का, तो क्या करते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकालते हैं, पॉलीनोमियल निकालते हैं ए मैट्रिक्स का। ठीक है, ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, तो जहाँ पे मैट्रिक्स का साइन है, डिटरमिनेंट से रिप्लेस कर दो, कहने का मतलब माइनस का लैम्डा ए बी ए माइनस लैम्डा सी बी सी माइनस लैम्डा। ठीक है, क्या करते हैं, इसको पहले रो के अलाम एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना मिलेगा, माइनस लैम्डा बाहर है, तो ये कैंसिल, ये कितना हो गया, सिंपली लैम्डा स्क्वायर और क्या, माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए बाहर, तो ये कैंसिल, ये कितना हो गया, माइनस ए लैम्डा माइनस बी सी, और उसके बाद क्या, प्लस बी इस बार बाहर रहेगा, तो ये कैंसिल, ये सिंपली क्या हो गया, ए सी और क्या, माइनस माइनस प्लस बी लैम्डा। ठीक है, इतना हो गया।
इसको ओपन करके एक जगह लिख लिया जाए। ठीक है चलो यहाँ पे लिखते हैं कितना मिल रहा है, ये माइनस माइनस में मल्टीप्लाई कर उसके हो जाएगा माइनस का लैम्डा क्यूब, और फिर क्या माइनस का सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर उसके हो जाएगा प्लस लैम्डा क्यूब सी स्क्वायर, फिर क्या प्लस ए स्क्वायर लैम्डा प्लस ए बी सी, फिर क्या प्लस बी ए सी, मतलब क्या भाई ए बी सी है ना, ए बी सी तो ये 2 टाइम्स हो गया ए बी सी, और फिर क्या प्लस बी स्क्वायर लैम्डा। चलो ये हो गया हमारे पास, इतना मिल गया, इसको अलग ही रख लेते हैं। अब क्या करना है हमको, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल मिल गया, तो अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है इतना नोट करो, चलो हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में। तो देखो हम क्या करेंगे, इसी को अगर 0 के बराबर रख देंगे तो यही क्या बन जाएगा, इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है तो एक लाइन आप लिख लेना, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इतना। अब क्या करते हैं हम बी मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है तो ये इसका हम बी मैट्रिक्स के बारे में करते हैं। तो बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, बी मैट्रिक्स के लिए हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बी माइनस लैम्डा है, तो बी के एलिमेंट्स कितना है 0, बी ए, और फिर यहाँ पे कितना है बी 0 और सी, यहाँ पे कितना है ए और यहाँ पे कितना है सी है, इतना हो गया बी मैट्रिक्स। क्या करो डायगोनल एलिमेंट कितना है लैम्डा लैम्डा लैम्डा, सबट्रैक्ट करो तो कितना मिलेगा इस बार आपको, माइनस का लैम्डा बी ए बी माइनस का लैम्डा सी, और यहाँ पे ए सी माइनस का लैम्डा, ये मिल गया आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का। क्या करते हैं कैरेक्टर बी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल की बात करते हैं। ठीक है तो उसके लिए क्या करेंगे, हर जगह पे बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है यहाँ पे क्या मिल गया, बी माइनस लेमडा आएगी, डिटर्मिनेंट कितने के बराबर होगा, ये माइनस लेमडा बी ए बी माइनस लेमडा सी ए सी माइनस लेमडा के बराबर। ठीक है बस क्या कर लो इसको, पहले रो कर लो एंड कर लो, तो माइनस का लेमडा बाहर, ये कैंसिल, ये कितना हो गया लेमडा स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, फिर क्या माइनस का बी बाहर, ये कैंसिल, क्या हो गया ये माइनस का बी लेमडा, और फिर क्या माइनस का ए सी हो गया। ठीक है और फिर क्या करते हैं, प्लस ए को बाहर करते हैं, ये कैंसिल, ये कितना हो गया बी सी, और फिर क्या प्लस ए लैम्डा हो गया। ठीक है ये इसमें मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको ओपन कर लो तो कितना मिलेगा, चलो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है तो माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा सी स्क्वायर, और फिर क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर लैम्डा, बी स्क्वायर लैम्डा, और फिर क्या प्लस ए बी सी, और फिर क्या यहाँ पे भी ए बी सी है तो 2 टाइम्स कर लो प्लस ए स्क्वायर लैम्डा। ठीक है तो अगर हम क्या कर लें, इसी को 0 के बराबर रख लिए, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आया है इसी को अगर हम 0 के बराबर रख लें तो यही क्या हो जाएगा, इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है सॉरी इस बी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि ए मैट्रिक्स तो अलग था बी मैट्रिक्स अलग है। अब बस क्या कर लो कंपेयर कर लो कि सेम है कि नहीं, तो माइनस लेमडा क्यूब और लेमडा सी स्क्वायर, ये भी है लेमडा क्यूब सी स्क्वायर इसके अंदर है, नहीं यहाँ पे भी लेमडा ही होगा ना, लेमडा क्यूब तो एक ही बार आने वाला, फिर क्या लेमडा सी स्क्वायर ही होगा, चलो कोई नहीं हो जाता है, और फिर क्या बी स्क्वायर लेमडा, तो बी स्क्वायर लेमडा प्लस के साथ 2abc भी है और ए स्क्वायर लेमडा ये भी, देखो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बराबर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए और बी है उनके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, सेम है, ये बात हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वेरीफाई दैट द मैट्रिसेस ए बी सी हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका भी इसका भी इसका भी होगा, ये बात हमको दिखाना है। ठीक है तो पहले बात करते हैं ए के लिए, तो ए के लिए पहले क्या करते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए विल बी ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा आई। ठीक है तो ए मैट्रिक्स कहाँ पर है, वही जो दिया हुआ है 0 HG HOF ZFO, और माइनस लेमडा आई मतलब लेमडा आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का, 3x3, क्योंकि ये क्या है 3x3 का ए है, तो ये भी 3x3 का ही होना चाहिए, 0 0 1, सबट्रैक्ट कर लो तो यहाँ पे ये लैम्डा मल्टीप्लाई कर लो पहले, अब क्या करो सबट्रैक्ट करो। ठीक है तो डायगोनल पे ये लैम्डा 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 है और इसमें क्या है 0 है डायगोनल पे। ठीक है तो क्या मिलेगा माइनस लैम्डा, 0 माइनस लैम्डा मतलब माइनस लैम्डा, एच जी
h माइनस लैम्डा f z f माइनस लैम्डा, इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं ए मैट्रिक्स का। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, तो ए माइनस लैम्डा आई का मतलब जो हमारे पास है, ये जो ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स है, इसको क्या कर लो, डिटरमिनेंट के फॉर्म में अरेंज कर लो। ठीक है, मतलब क्या, माइनस लैम्डा एच जी एच माइनस लैम्डा एफ जी एफ माइनस लैम्डा। ठीक है, क्या करते हैं, इसी को किसी भी एक रो के अलावा एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले माइनस लैम्डा बाहर कर लो, तो ये क्या हो गया, ये लैम्डा स्क्वायर हो गया और माइनस का एफ स्क्वायर हो गया, माइनस एच बाहर किया दूसरी बार, तो ये कितना हो गया, ये माइनस का एच लैम्डा और फिर क्या, यहाँ पे माइनस का जी एफ हो गया जी एफ। ठीक है, और फिर क्या, प्लस जी इस बार बाहर करा, तो ये कैंसिल, ये क्या हो गया, एच एफ हो गया, अब माइनस का ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपली लैम्डा जी हो जाएगा। ठीक है, इसको ओपन कर लो, तो कितना मिलेगा, माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस एफ स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एच स्क्वायर लैम्डा, और फिर क्या, माइनस माइनस प्लस जी एच एफ, तो एफ जी एच लिख लो। ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, फिर क्या, प्लस यहाँ पे भी वही आएगा एफ जी एच, तो क्या कर लो, प्लस एफ जी एच कर लो, प्लस क्या आएगा, लैम्डा और जी है हमारे पास, और यहाँ पे भी लैम्डा, तो क्या मिल जाएगा, लैम्डा जी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो उसमें क्या रखा हुआ है, एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा कॉमन निकाला है, तो वही एच स्क्वायर यहाँ रहा और जी स्क्वायर यहाँ रहा, और इसके साथ भी लैम्डा यहाँ रहा, तो बस क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, वही मिल जाएगा। ठीक है, आप क्या कर लो, पहले उसको कॉमन निकाल लो, तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का लैम्डा क्यों बाहर ही रहने दो, और इसमें से क्या कर लो, लैम्डा कॉमन निकाल लो, तो प्लस लैम्डा कॉमन कर लिया, तो क्या मिला, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मिला, और फिर क्या मिला, ये एफ जी एच एन जी, कितना मिल गया, प्लस टू टाइम्स एफ जी एच मिल गया। ठीक है, इतना मिल गया, ये क्या मिल गया हमको, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया। ठीक है, आगे यहाँ पे माइनस का साइन है, तो क्या कर लो, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब एक लाइन लिख लेना कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई ये माइनस वन, हमको क्या मिल जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस, और फिर क्या, ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये क्या मिल गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस क्या बोलते हैं इसको, लैम्डा आई है, उसको क्या करोगे, जीरो के बराबर रखोगे। ठीक है, तो क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को जीरो के बराबर रखोगे, कहने का मतलब इसी को क्या करोगे, जीरो के बराबर रखोगे, यही क्या होगा, इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। तो यही बात हमको लानी थी, ये इसके बराबर है आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर रोक देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बी मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, इसको नोट करो पहले, ये ए मैट्रिक्स के लिए था, हो गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बी मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स तो पहले क्या करेंगे, बी निकालेंगे, तो क्या करोगे आप, बी माइनस लैम्डा आई निकालोगे। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स कितना हमारे पास, जीरो एफ और एच, चलो यह साथ में लिखते हैं। ठीक है, बी माइनस लैम्डा आई को साथ में करते हैं, आपको भी मालूम है बार बार करने में टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो बी के एलिमेंट माइनस लैम्डा आई, ठीक है, आई के अंदर लैम्डा मल्टीप्लाई कर देना, तो जीरो माइनस मतलब क्या, माइनस का लैम्डा एफ एच एफ माइनस लैम्डा जी एच जी माइनस लैम्डा। ठीक है, ये क्या मिल गया हमको, बी माइनस लैम्डा मिल गया। अब क्या करते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं, फिर क्या करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए निकालेंगे, तो ये कितना होगा, सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू कितने के बराबर होगा, ये चलो यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्व भी करना है। ठीक है, कितना मिलेगा, ये माइनस लैम्डा एफ एच एफ माइनस लैम्डा जी एच जी माइनस लैम्डा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, माइनस लैम्डा बाहर किया, ये कितना हो गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का जी स्क्वायर, फिर क्या, माइनस एफ बाहर करा, तो ये कैंसिल, कितना हो गया, माइनस का एफ लैम्डा,
और फिर क्या ये हो गया माइनस का जी एच हो गया, फिर क्या प्लस एच को बाहर रखा, फिर ये कैंसिल, ये कितना हो गया एफ जी, और फिर क्या यहाँ पे ये प्लस लैम्डा एच हो गया, ठीक है प्लस लैम्डा एच हो गया, प्लस लैम्डा एच हो गया, ठीक है। बस क्या कर लो इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, जो मिलेगा वही क्या होगा हमारे पास इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एफ स्क्वायर लैम्डा, और फिर क्या माइनस माइनस प्लस एफ जी एच, और फिर क्या यहाँ पर भी एफ जी एच मतलब टू टाइम्स एफ जी एच, और माइनस माइनस सॉरी यहाँ पर सिंपली क्या मिलेगा प्लस लेमडा एच स्क्वायर, ठीक है। तो वही क्या कर लो जी या जी स्क्वायर एफ स्क्वायर एच स्क्वायर में से लेमडा को बाहर निकाल लो, तो क्या मिलेगा आपको माइनस का लेमडा क्यूब, और क्या मिलेगा माइनस नहीं प्लस बाहर होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी एफ और एफ जी एच स्क्वायर, और क्या आगे पीछे कर लिया कोई बात नहीं, अल्फाबेटिकली लिख लेते हैं, तो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लेमडा को बाहर रखा प्लस टू एफ जी एच आई, ठीक है। आगे नेगेटिव पोर्शन है तो क्या कर लो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस में ये प्लस में ये माइनस में, ये क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है बी का, तो क्या कर लो सिंपली बी माइनस लैम्डा आई को जीरो के बराबर रख लो, सॉरी हम बी की बात कर रहे थे तो हर जगह बी के बी यूज करना, ठीक है चलो हम एडिट करके सही कर देंगे। तो क्या करोगे बी माइनस लैम्डा आई को जीरो के बराबर रखोगे, मतलब इसी को जीरो के बराबर रखोगे, ये क्या है इसी से मैच कर रहा है, मतलब सेकंड का भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सही है, ठीक है। अब क्या करते हैं सी के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है पहले इतना नोट करूँ हो गया। चलो तो पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ सी के बारे में, तो ये कैसे निकलेगा सी मतलब क्या सी माइनस लैम्डा आई करके, तो डायरेक्टली करते हैं तो माइनस का लैम्डा जी एफ जी माइनस लैम्डा एच एफ एच माइनस का लैम्डा, ठीक है। अब क्या करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं सी मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे भी सी कर दो यहाँ पे भी सी कर दो, ठीक है मतलब क्या सिंपली मिलेगा हमको डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस लैम्डा जी एच जी माइनस लैम्डा एच एफ एच माइनस का लैम्डा, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है तो सॉल्व करो इसको, पहले क्या करते हैं माइनस लैम्डा को बाहर कर लेते हैं, ओके ये कितना हो गया कि लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सॉरी माइनस का एच स्क्वायर माइनस जी बाहर रखा, तो ये कैंसिल, ये कितना हो गया माइनस का लैम्डा जी और माइनस का एफ एच, और फिर क्या प्लस एच तीसरा टर्म ये कैंसिल, ये कितना हो गया जी एच, और फिर क्या जी एच हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया लैम्डा एफ हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं बस इसी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है तीसरे में ये चलो ठीक है। अब क्या मिलेगा माइनस का लैम्डा क्यूब और माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर सॉरी लैम्डा एच स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या प्लस लैम्डा जी स्क्वायर प्लस एफ जी एच, और यहाँ पे भी एफ जी एच एफ जी एच एफ जी एच, ये पोर्शन कहाँ से आया था ये पोर्शन यहाँ से आया था, यहाँ पे ये एफ है एफ है एफ है एफ एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा एफ जी एच ही मिलेगा, तो ये टू टाइम्स हो जाएगा टू टाइम्स एफ जी एच हो गया, और यहाँ पे कितना मिलेगा लैम्डा एफ स्क्वायर, ठीक है एफ स्क्वायर। तो बस वही क्या कर लो हर जगह से माइनस में पहले मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। अब क्या कर लो माइनस का लैम्डा क्या कर लो बाहर कर लो, तो क्या मिल जाएगा सिंपली आपको लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा बाहर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एफ जी एच इक्वल टू जीरो रख दोगे, तो क्या मिलेगा आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा किसी भी मैट्रिक्स का। बात चल रही है सी मैट्रिक्स के, तो ये क्या मिल गया सी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमको क्या लाना था, ठीक है। ये बात प्रूफ हो गया कि ए बी सी तीनों का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है सेम है, ठीक है नोट करूँ।